जय शिव गुरु। घर का खाना विद आरती देवी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बथुआ का साग बनाएंगे। साग को सबसे पहले इस तरह का ये जो डंटा रहता है ना बथुआ में, ये डंटा को तोड़कर हटा देंगे ऐसे, और ये साग को एक बर्तन में रख लेंगे। अब बाकी बथुआ को हमने अच्छा से तोड़ लिए हैं, सबका डंडा हटा दिए हैं बथुआ का। अब 3-4 बार साफ पानी से बथुआ को धो लेंगे। बथुआ का साग ठंडा के महीना में मिलता है, ये बहुत टेस्टी और सेहत के लिए भी अच्छा होता है। ये बथुआ को साग को हम मिट्टी के बर्तन में बनाएंगे। मिट्टी के बर्तन का स्वाद कुछ अलग रहता है और टेस्टी लगता है और हमारे सेहत के लिए भी अच्छा रहता है, इसलिए हम मिट्टी के बर्तन में बथुआ के साग को बनाएंगे। साग हमारा पूरा अच्छा से साफ हो गया है, अब साग बना लेंगे। अब बथुआ का साग बनाने के लिए हमने एक मीडियम साइज का प्याज लिए हैं, एक लहसुन और 5 ठो हरी मिर्च। इसमें आप अदरक भी रख सकते हैं। आज हम बिना अदरक का बथुआ का साग बनाएंगे, एकदम सिंपल और आसान तरीका से। अब इन सबको छोटा छोटा टुकड़ा में कट कर लेंगे। अब लहसुन हरी मिर्च और प्याज को हमने इस तरह से कट कर लिया है और ये बर्तन हमारा गर्म हो रहा है, अब इसमें साग बनाएंगे। अब बर्तन हमारा गर्म हो गया है, आप कोई भी बर्तन में साग बना सकते हैं। अब सरसों तेल रखेंगे, इसमें बटर भी रख सकते हैं। तेल को गर्म होने देंगे। अब साबुत जीरा रखेंगे थोड़ा सा, ये पीला वाला सरसों रखेंगे। अब फोरन हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब लहसुन रखेंगे, मिक्स कर देंगे। हरी मिर्च रखेंगे, प्याज रखेंगे। अब प्याज का कलर हल्का ब्राउन कलर होने देंगे। अब प्याज का कलर हमारा चेंज हो गया है, हल्का ब्राउन कलर का ही हो गया है। पूरा अच्छा सा प्याज हमारा भुना गया है। अब इसमें बथुआ रखेंगे। मिक्स कर देंगे, इस तरह से चला देंगे। थोड़ा देर के लिए बथुआ को ढक देंगे, फिर से चला देंगे और पकने देंगे बथुआ को अभी थोड़ा देर। उसके बाद नमक रखेंगे। ये पानी अपने आप ही साग से बहुत सारा निकलता है। इस तरह से मिक्स कर देंगे साग को। अब साग हमारा कम हो गया है, अब इसमें नमक रख देंगे। अभी साग हमारा और कम हो गया और बथुआ के साग में कम ही नमक लगता है। ये छोटा चम्मच है, इस चम्मच से 1 चम्मच नमक रखेंगे। मिक्स कर देंगे, अब फिर से ढक देंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। इस साग में अपने आप बहुत सारा पानी हो जाता है, पानी को सुखाना पड़ता है। पानी को सुखाने के लिए थोड़ा देर ढक्कन हटाकर इस तरह से रखेंगे और चलाते रहेंगे तो जल्दी पानी हमारा सूख जाएगा। अब साग का सारा पानी सूख गया है, अब गैस को ऑफ कर देंगे। इस तरह से बथुआ के साग एक बार बनाकर चेक कीजिएगा, बहुत टेस्टी लगता है। रोटी के साथ भी बहुत टेस्टी लगेगा। आप बथुआ के साग को चावल रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है और सेहत के लिए भी अच्छा रहता है। आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।